हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फंडा। इस वीडियो में दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। दोस्तों, आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे, मेरी वीडियोस को लाइक किया, चैनल पे सब्सक्राइब किया, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। ऐसे ही मैं आपके लिए आगे भी वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे करना चाहूँगा कि किसी भी वीडियो में अगर किसी बुक का नाम अगर आता है, किसी भी बुक को मैं मेंशन करता हूँ, तो आप बार बार में कमेंट्स में ये मत पूछिए कि सर हमें ये बुक कहाँ से मिलेगी, क्योंकि जिस भी बुक का अगर जिक्र होता है वीडियो में तो वो बुक उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, उसकी डिस्क्रिप्शन में जब आप जाओगे तो आपको लिंक प्रोवाइड मिलेगा, गूगल ड्राइव का लिंक है, वहाँ से जाके आप सारी बुक्स, PDF, जो जो फाइलें इंपॉर्टेंट हैं सब आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, SSC JEE का एग्ज़ाम एक्सटेंड हो गया है। इससे पहले टेक्निकल पोर्शन के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के कंसेप्ट की बात की जाएगी अगली वीडियोज़ में। ये वीडियोज़ जनरल नॉलेज वाली SSC JEE, CHSL, MTS एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सबका सिलेबस GK का सेम रहता है। ठीक है दोस्तों, JEE के एग्ज़ाम में 50 मार्क्स का ये पार्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें आप 20 से 25 मार्क्स से इससे ज़्यादा स्कोर करते हो तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में अलग अलग पार्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, तो इस पूरी सीरीज़ में 3, 4, 5, 6 जितनी भी वीडियोज़ बनेंगी आप उन सबको देख लीजिएगा, आपका जनरल नॉलेज का सेक्शन कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप ये बुक परचेज कर लेते हो तो बहुत बेनिफिट रहेगा। ये बुक करीबन करीबन 130-140 रुपये की आपको पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये 200 से 220 पेजेस की ये बुक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है दोस्तों। इसमें जनरल नॉलेज के काफ़ी अच्छे कंसेप्ट दिए गए हैं और यूज़फुल है सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें कॉम्पैक्ट इसका साइज है और सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट लगती है मुझे बुक है। और अगर आपको इस बुक के पार्ट्स के PDF अगर चाहिए तो मैं आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये बुक है, ये देख लीजिएगा, आप मार्केट में अवेलेबल है इजीली, आप ऑनलाइन भी इसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले हम बात करेंगे दोस्तों जनरल नॉलेज में हम साइंस वाले सेक्शन की। ठीक है दोस्तों, साइंस वाले सेक्शन से हमारे 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन निकलते हैं सीधे, तो आप सबका काम क्या है, ये PDF में प्रोवाइड कर दूँगा आपको, इसे डिटेल में पढ़ना है, मैं आपको गाइड करूँगा कि आप कैसे पढ़ें। ठीक है दोस्तों, पढ़ना आपको है, और उसके बाद मैं फिर आपको MCQs की PDF भी प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, वो अगली वीडियोज़ में की जाएगी, आप बस ये देख लीजिए अभी फ़िलहाल आपको करना क्या है। जैसे हम फिजिक्स की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज़ ये सारी करनी है, हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन बन जाए, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप करते करते सर्कुलर मोशन पर पहुँच जाओगे, मतलब ये बेसिक्स है साइंस के। ठीक है ना, और जो साइंस से स्टूडेंट्स रहे होंगे उनको काफ़ी आसान रहेगा ये वाला पोर्शन, लेकिन जो जिनका बैकग्राउंड साइंस से नहीं है, जो आर्ट वाले बच्चे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप CHSL की तैयारी कर रहे हैं और आप आर्ट का बैकग्राउंड है आपका, तो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, थोड़ा मेहनत आपको थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, SSC JEE वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सब टेक्निकल है और साइंस का पार्ट मेन रहता ही है टेक्निकल में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पावर, इनमें यूनिट्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूनिट आ सकती हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो ये आपका टेक्निकल पोर्शन में आने लग जाता है। ठीक है, यहाँ से जैसे इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, ठीक है, ये आपका इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी ये वाली जो चीज़ें हैं, उसके बाद हुक्स लॉ है, ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, मैकेनिकल स्ट्रीम्स के जो बच्चे हैं उनको पता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, और सिविल के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दोनों में कॉमन होगा शायद, सिलेबस मैंने देखा नहीं अभी दोनों का। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप आगे बढ़ोगे, इसमें ये 53 पेजेस का PDF है दोस्तों साइंस का ओनली, इसमें तीनों सेक्शन आपके कवर हो जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा कहीं और से ना पढ़ना चाहो, या लूशन की बुक अगर आप ना पढ़ना चाहो तो इस PDF से आप पढ़ सकते हो, 53 पेजेस हैं, हार्डली आपको 2 से 3 दिन लगेंगे इसको कवर करने में, और आपका साइंस का ऑलमोस्ट सभी सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पास्कल लॉ ऑफ प्रेशर है, ठीक है, धीरे धीरे आगे जब आप जाओगे तो हीट के बारे में आप पढ़ोगे, हीट क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलो, तो उसके लिए फॉर्मूला है ये,
ये देख लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, वेव्स, ठीक है, ये फिजिक्स में चल रहे हैं हम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे लाइट के बारे में। लाइट एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों साइंस का, फिजिक्स में अगर हम बात करें तो लाइट को आप बिल्कुल इंपॉर्टेंटली ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, उससे क्वेश्चन निकलने के वो रहता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट उपयुक्त बॉडीज़, ठीक है, इनका एग्जाम्पल पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये दो तीन चीज़ें होती है कन्फ्यूजिंग होती है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, ठीक है, इनमें आप थोड़ा कन्फ्यूज मत होइएगा, थोड़ा अच्छे से पढ़ना है इसे। उसके बाद एक जीके को कई कमेंट्स में ये आया था कि सर जीके हम पढ़ते हैं हमें याद नहीं रहती, उसका अच्छा एग्जाम्पल क्या है, एक बार जस्ट मोटा मोटा आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। जो जो चीज़ें आपको पहले रीडिंग में याद रहती हैं उनको कोशिश करिए याद रखने की, जो नहीं रहती है दिमाग पर प्रेशर मत डालिए, ठीक है। 2 3 4 दिन के बाद दोबारा से उठाइए इसे, उस पे आप जब दोबारा से पढ़ोगे तो आपको कई चीज़ें ऐसे लगेगी कि ये मुझे पहले ही आती है, ठीक है। तो उनका मतलब क्या है, वो चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो चुकी हैं, ठीक है। और अगर एक रिविज़न और कर लोगे तो वो तो आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। दूसरी रिविज़न में चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, जो आपके पहली रीडिंग में आपने जो पढ़ा था वो आपको याद रहेगा, लेकिन जब दूसरी रीडिंग पढ़ोगे तो आपका ये रहेगा कि हाँ ये मैंने पहले कभी पढ़ा हुआ है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था, ठीक है। लेकिन जब आप दूसरी रीडिंग करोगे तो आपको अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ऐसे आप 2 से 3 रीडिंग इनकी ले सकते हो तो हार्डली आपका 1 हफ्ता लगेगा, लेकिन कॉन्सिक्यूटिव मत करना, ठीक है। पहले जैसे 2 दिन 3 दिन में करना कवर ये, उसके बाद किसी और पोर्शन को कवर करना जीके, फिर आना इसके ऊपर, ठीक है। तो ऐसा करना है, तो इसके लॉज हैं ये देख लेना दोस्तों 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये मेट्रोपिया हाइपर मेट्रोपिया इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है जीके में। इलेक्ट्रिसिटी से दोस्तों क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। उसमें आपको यूनिट पूछ लेंगे क्या होता है, जैसे करंट की यूनिट पूछ लेंगे क्या होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, ये सब, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि दोस्तों मीटर्स, जैसे फॉर एग्जांपल वोल्टेज को कैसे मापते हैं, करंट को कैसे मापते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस को कैसे मापते हैं, ये सब, ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है सब। उसके बाद रेज वगैरह दी हुई है ये आप देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। ऐसे हमारा जो हम करते रहेंगे इन्वेंशंस आ जाएंगे, ठीक है। इन्वेंशंस में आपको कंट्री या ईयर की कोई खास ज़रूरत नहीं है, जो इन्वेंशन है उनके जो इन्वेंटर हैं उनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे मैकेनिकल में क्वेश्चन बन सकता है कि डीजल इंजन को किसने वो किया था, तो रुडोल्फ डीजल, ओके, ये आप देख लीजिएगा दोस्तों। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़ रहता है, एक क्वेश्चन इसमें से बनता ही बनता है कि ये इंस्ट्रूमेंट है इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, काफ़ी बहुत सारे तो ऐसे हैं जो आप हम नॉर्मल लाइफ में पढ़ते ही हैं, जैसे एमीटर होता है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट को मापने के काम आता है, ठीक है। उसके बाद कैलोरी मीटर आपने पढ़ा होगा, डायनमो पढ़ा होगा, गैल्वेनोमीटर पढ़ा होगा, ठीक है, लैक्टोमीटर पढ़ा होगा, मिल्क के लिए यूज़ होता है, ठीक है, मैनोमीटर पढ़ा होगा, गैसेस के लिए होता है, प्रेशर ऑफ गैसेस, माइक्रोमीटर, माइक्रोफोन, ठीक है, ये सब, तो ये आपने सब पढ़े हुए हैं, ठीक है। जो नहीं पढ़े हुए हैं वो थोड़ा सा देख लेना, वो सब हो जाएगा आपका। उसके बाद दोस्तों केमिस्ट्री की बात आती है, ठीक है। केमिस्ट्री भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तीनों से, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तीनों से 15 तक क्वेश्चन निकलते हैं, अगर एक एक नंबर के क्वेश्चन है मान लो तो 15 क्वेश्चन तक बनते हैं, तो ये हम इसको छोड़ नहीं सकते, तीनों पार्ट आपको करने करने पड़ेंगे, और कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि 53 पेजेज ही हैं, ठीक है, और जल्दी कवर हो जाती है। तो ये आप देख लीजिएगा दोस्तों, मैटर उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लीजिएगा, आइसोटोप आइसोबार क्या होते हैं, एटम के बारे में पढ़ना, एलिमेंट एंड कंपाउंड, मतलब ये है कि ये इतना कॉम्पैक्ट है दोस्तों, वैसे बहुत बड़ा पोर्शन है ये जनरल साइंस, लेकिन फिर भी ये बहुत कॉम्पैक्ट है, बहुत छोटा दिया गया है इसमें, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है सब, ठीक है। कई बार जैसे क्वेश्चन सीधा आ जाता है, ब्लू विट्रोल का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, ठीक है, तो CuSO4 ये वाला .5H2O, ठीक है, ये होता है, ठीक है, बेकिंग सोडा, इनके फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं, या उनका पूरा नाम, जैसे कह देंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बोलते हैं, ठीक है, तो ऐसे, ठीक है। उसके बाद मेटल नॉन मेटल की थोड़ी डिटेल्स, और थोड़ा ध्यान से करना दोस्तों, क्योंकि और से क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है। उसके बाद फ्यूल्स दिए हुए हैं दोस्तों, ये पढ़ लेना है, इनकी क्लोरीफिक वैल्यूज़ देख लेना क्या होती है, ठीक है, एसिड बेसिस जो स्केल, ये पढ़ लेना आप, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्लास्टिक पॉलीमर्स, ये आ जाएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद रेडियोसिटी, रेडियो एक्टिविटी, सॉरी,
इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कार्बन कंपाउंड, ठीक है, ये सब टॉपिक्स हैं दोस्तों, ये आप देख लेना, ग्लास उसके टाइप्स, ठीक है, ये जनरल, इसमें ज़्यादा आप डिटेल में जाने की कोशिश मत करना, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कॉमन सी चीज़ कैसे क्या होती है, ठीक है। उसके बाद आपको केमिकल सब्सटेंसेस और उनके यूजेस क्या क्या होते हैं, ठीक है, वो आप देख लेना। उसके बाद साइंस की ब्रांच होती है, इनमें से एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे काइनेमेटिक्स का है, स्टडी ऑफ मोशन है, लेप्रोलॉजी, स्टडी ऑफ लेप्रोसी, ठीक है, ये वाले, ठीक है, इससे रिलेटेड आ सकता है कोई क्वेश्चन। उसके बाद सीधा फिर बायोलॉजी का सेक्शन आता है, बायोलॉजी इसमें से पढ़ लीजिएगा दोस्तों ऑफ सेल्स, ठीक है। उसके बाद है यूकेरियोटिक सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, 6th क्लास में 7th में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ठीक है, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। उसके विटामिन से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, जैसे पूछ लेंगे आपसे कि भाई कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे विटामिन बी हमें किसी किसी चीज़ से मिलता है, या कोई भी और क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मान लो बेरी बेरी जो डिजीज़ होती है वो किस विटामिन की कमी से होती है, ठीक है, तो ये आप देख लेना, मिनरल देख लेना दोस्तों, पढ़ लेना एक बार, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आप इसको सारा, उसके बाद ये सिस्टम, हॉर्मोन्स एंड डायरेक्शन, ये बॉडीज़ के वो आ जाएंगे पार्ट्स, उसके बारे में है, ये भी एक बार देख लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन सब चीज़ों की दोस्तों जनरल साइंस है, इसकी नॉलेज तो आपको वैसे भी होनी चाहिए, क्योंकि जनरल साइंस एक ऐसा टॉपिक है कि हमें पता ही होना चाहिए, क्योंकि हम किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को छोड़ के अगर वैसे बात करते हैं तो हमें कॉमन चीज़ों का पता होना चाहिए, जैसे हमारी बॉडीज़ के बारे में अगर हमें नहीं पता है तो थोड़ा अजीब सा लगता है, ठीक है, लेकिन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है दोस्तों, ठीक है, आपको मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम्स आने ही वाले हैं, ठीक है। लास्ट ईयर दिसंबर 10 के आसपास था SSCJEE, इसको फिर एक्सटेंड कर दिया गया था डेट को, और वो 31 जनवरी को हुआ था, इस बार भी प्रोबेबली दिसंबर के लास्ट या फेबररी के पहले वीक या दूसरे वीक तक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद डिजीज़, उनके अफेक्ट, सिम्टम और क्यों वो होती हैं, ये देख लेना दोस्तों एक बार, ठीक है। इसका PDF दोस्तों मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा दोस्तों, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका और कोई सजेशन है या कोई कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिए, मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। और अगर आपको कोई भी इशू अगर होता है, ठीक है, कोई भी अगर आपको PDF चाहिए होता है, बुक चाहिए होता है, क्योंकि अब पिछली वीडियोस में मैंने देखा है बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर हमें ये बुक प्रोवाइड कर दीजिए, वो बुक प्रोवाइड कर दीजिए, ऐसे एक एक को तो मेल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। आने वाले कुछ टाइम में मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे SSC की बात करें तो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 बुक्स रिलेटेड टू SSC JEE, तो उनमें पाँचों के पाँचों वीडियो और उस वीडियो उसके बुक्स के बारे में डिटेल्स और उसकी डिस्क्रिप्शन मैं आपको वीडियो का उसका सॉरी बुक्स का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड सीधा कर लेना, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो उससे आपका ये वीडियो पूरा होता है, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो को अगर आप डिटेल में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है साइंस कवर करना, ठीक है। प्लीज़ आप 53 पेजेज़ हैं जस्ट, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो ये आप बुक ही परचेज़ कर लेना, 120 रुपये की, आपको आगे भी काम आएगी कभी कई कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है, ठीक है। और इसका इस PDF का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल पर, और शेयर कीजिए इस वीडियो को। अगर कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।